मैं चलता हूँ। लंच का वक्त हो गया है, बिना खाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आज रक्षाबंधन है तो चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, कहीं बाहर चलते लंच कर। अरे वाह, अक्षत क्या कमाल का आइडिया दिया, हम सब चलेंगे। चल चल हम चलें। नहीं भाई, मुझे कोई ट्रीट नहीं चाहिए। अबने, तुम्हारा भाई ट्रीट देना चाहता है, हम जरूर जाएंगे। बाबूजी भावना, अक्षत हम सभी को लंच पे ले जाना चाहता है, चले। आप दोनों भाई अपनी बहनों को बाहर लेके जाइए, मेरा इतना मन नहीं, और वैसे भी घर पे बहुत काम है। बेटा मैं भी जल्दी खा के आराम करूंगा आज तो। ठीक है बाबूजी, चलो चलो जाएंगे। आराम दी, चल। अवनी, चल बता क्या खाएगी, जो तू चाहेगी वही मंगाएंगे। अगर आपको मेरी विश कितनी बड़ी है तो मुझे घर जाके लंच करना। अवनी, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मैं जानता हूँ कि तेरी भलाई किसमें है। एग्जैक्टली अक्षत भाई, आज आपने बड़े भाई वाला ही काम किया है, मुझे रात से अलग करके। बुआ सा, डैड, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे, देखिए ना। हे गाइस, लुक एट दैट बेबी मैन। क्या है यार मैन, चेकर आउट मैन। एक्सक्यूज मी, एक नजर जरा हमारी तरफ भी तो देख लो। पापा, अक्षत भैया चलिए यहाँ से, ये अच्छी जगह नहीं है। अब नहीं, तुम उधर ध्यान मत दो, बस हम खाना खाते ही निकल जाएंगे यहाँ से, डोंट वरी। हे बेबी, कम एंड सिट विद मी यार। अरे हम सबके साथ बैठ जाओ ना। तो लगा था लंच के बहाने तुम दोनों कुछ वक्त बता लोगे एक साथ, पर अक्षत अवनी को लेके जानबूझकर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है राज, कि अक्षत तुम दोनों का साथ नहीं दे रहे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही अक्षत है जिनसे मैंने प्यार किया था। ऐसा नहीं है अर्पिता, वो तो बस। एनीवेज, ये सब छोड़ो और सिर्फ ये बात सोचो कि तुम सबको कन्विंस कैसे करोगे। यही तो मेरी सबसे बड़ी चैलेंज होगी अर्पिता, सबको कन्विंस करके आगे बढ़ना होगा। राज, जल्दी रेस्टोरेंट आओ, यहाँ कुछ लड़के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। What? दे। क्या हुआ राज, कहाँ जा रहे हो? हवनी का मैसेज है, कुछ बदतमीज लड़के उससे परेशान कर रहे हैं उनकी। तुम मैं क्या हुआ? अर्पिता, मम्मी जी, राज गुस्से में गया क्या? हाँ, अवनी का मैसेज आया था, कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं वहाँ रेस्टोरेंट में। बाऊजी, चलो बहू, चलो चलो। यार देख तो कैसे फैमिली के साथ चिपक के बैठी है। अरे हम भी तुम्हारे अपने हैं, हम में कौन से कांटे लगे हैं है? भैया आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे,
आपको डर है क्या कि वो चाह रहे आप अकेले हो? कुछ बोलिए ना। अवनी, चुपचाप अपना खाना खत्म करो। मैंने बिल मंगवाया, अभी हम चलते हैं। अब आप ही जाओ मेरी जान, थोड़ा इश्क लड़ाते हैं। सच बता रहे हैं, ऐश करा देंगे। अवनी, 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 कहाँ जा रही है तू? अवनी, तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तमीज नाम की चीज नहीं सीखी है? तो आप ही तमीज सिखा दो मैडम। अवनी के बड़े भाई हो आप। लड़की अवनी को परेशान कर रहे थे, इतनी बदतमीजी चल रही थी यहाँ पे, और आपने कुछ भी नहीं किया, खामोश बैठ के सब कुछ देख रहे थे आप। What is wrong with you, अक्षत भैया? अवनी ने आज आपको राखी बांधी है, कम से कम आज के दिन उसकी रक्षा करते। राज, अक्षत ने वही किया जो कि एक समझदार भाई को करना चाहिए था। तुम देखना चाहते हो ना अक्षत ने क्या एक्शन लिया? देखो उधर। कौन है वो लोग जो आपकी बहन को परेशान कर रहे हैं? ये सब है। अवलदार, पकड़ो इनको, उठे, चलो उठो। अरे मजनू बन रहा है, उठ चल। अक्षत ने जो किया ऐसे लोगों से निपटने का वही सही तरीका है। ये चीखना चिल्लाना, मारपीट करना, तमाशा क्रिएट करना, ये शरीफों को शोभा नहीं देता। राज, मारपीट में एक दिन हो सकता है कि सामने वाला तुम पर भारी पड़ जाए, तुम घायल हो जाओ, बेहोश हो जाओ। ऐसे में तुम अवनी की रक्षा कैसे कर पाओगे? तुम सिर्फ जोश से काम करना जानते हो, होश या सूझबूझ से नहीं। तो हम कैसे मान ले कि तुम अवनी को हमेशा सुरक्षित रख पाओगे? तुम एक बार फिर चूक गए राज, तुमने फिर उम्मीद को तोड़ दिया हमारे। अब तो यह साबित हो चुका है कि तुम किसी भी लिहाज से मेरी बेटी के लायक नहीं हो। अब यह किस्सा यही खत्म, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। चलिए सब लोग इधर से। चल अपनी। और प्यार। राज, तुम ठीक हो? अवनी, तू ये क्या कर रही है? इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया, अब बस और तमाशा मत। बुआ चल। नहीं बुआ सा, नहीं चल बुआ सा, प्लीज नहीं बुआ सा, नहीं। राज, ना पूछो किसी से प्यार मिलता कहाँ है, जलती ये लो बेगरज जिन दिलों में। वो कैसे कह सकते कि मैं अवनी के लायक नहीं हूँ? कैसे? मिल जाना उनका भी रब की अदा है।
आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हमारे साथ? राज के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? बोलिए, उसे परखने के लिए क्या उसे इस दुनिया का सबसे परफेक्ट लड़का होना जरूरी है? हाँ, नहीं है वो पर, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है पापा, क्योंकि क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसमें बहुत सारी कमियां, और राज भी बिल्कुल वैसा है। तो प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसने आखिर गलत किया क्या है? क्या मतलब है तेरा कि क्या गलत किया है उसने? वहां सबके सामने हीरोगिरी दिखा रहा था, मारपीट कर रहा था, ये सब तेरे लिए गलत नहीं है? नहीं, उसने जो किया सही किया। मैं सेफ फील करती हूँ उसके साथ। अवनी, अवनी तुम्हें क्या बोले जा रही है? हाँ बुआ साहब, जो लड़का मुझ पर किसी के गंदे कमेंट्स नहीं सुन सकता, जो दिल का गुस्सा अपने हाथों से उतारता, जो अपना दिमाग शांति से रखकर पुलिस का इंतजार नहीं कर सकता, वही लड़का मेरे लिए रक्षक है। और प्यार तो दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। और जो लोग वहां चुपचाप बैठकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे, उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि उनकी बातें मेरे दिल को कितनी चुभ रही होगी। जब राजू ने मारा था तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई अपना है जो वहां मेरे लिए लड़ रहा है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, कोई है जो मुझसे इतना प्यार करता है। अवनी, तू कहना चाहती कि हम तुझसे प्यार नहीं करते? नहीं माँ, लेकिन यह एहसास मेरे लिए सबसे अनमोल। कह दिया जो कहना था, अब जाओ अपने रूम में। नहीं पापा, मैंने एक सवाल किया, क्या उसका यही जवाब है कि मैं अपने रूम में जाऊं? अब नहीं। ये पागल हो गए, राज के प्यार ने तुझे पागल कर दिया। चल तू यहाँ से। बुआ साहब, मुझे देख कर अपनी तमीज भूल गई है। बुआ साहब, मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा कोई जवाब तुझे। वाह डैड वाह, क्या कमाल का काम किया आप। बस बहुत हुआ, मैं जो कर रहा हूं अपनी की भलाई के लिए। अपनी बेटी को दुख देना, उसकी आंखों में आंसू भर देना, ये कौन सी नई टेक्निक है भलाई की? आप जो इम्तिहान ले रहे हो राज अवनी का, और अपनी मन मर्जी के मुताबिक उसको पास और फेल कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा डैड। अवनी राज से प्यार करती है और राज अवनी से, इसे आप झुटला नहीं सकते। आप चाहे कितने ही फैसले सुनाए राज के खिलाफ, पर आपके इन फैसलों में वो धार नहीं है जो अवनी से राज का और राज से अवनी का प्यार काट के अलग कर देंगे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और इतना आप समझ लीजिए डैड। बंद करो अपनी बकवास, कम से कम हम अपने रिश्तों का फर्ज तो निभा रहे हैं। तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। मुझे भरोसा है ना? आभास भाई, ये हम कहाँ आ गए?
राज, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो? तुमने बिल्कुल सही किया कि तुमने उन गुंडों को मारा। अगर मेरे घर वाले नहीं समझते तो क्या हुआ? मैं समझती हूँ। थैंक यू सो मच आभास, मुझे अवनी से मिलाने के लिए। नहीं राज, मुझे ये करना ही पड़ा बिकॉज मेरी फैमिली जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। वो तुम दोनों के प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हें कोई ना कोई खामियां ढूंढते रहेंगे, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम का एक तोड़ निकाल लिया। भाई आपने क्या सोचा? बताओ ना आभास। हम कुछ भी करने को तैयार है। वो कहते हैं ना कि राखी का कर्ज चुकाना पड़ता है, तो बस अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की रक्षा करूं। तुम दोनों को घर छोड़ के भागना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है राज, ये बात तुम जानते हो। मेरे घर वाले तुम्हें कोई ना कोई कमियां निकालते रहेंगे, वो तुम्हें रिजेक्ट करते रहेंगे। वो लोग नहीं जानते पर मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अगर वो लोग नहीं समझते तो तुम लोग इसे अपनी बदकिस्मती समझ के हार नहीं सकते, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। तुम्हें यहां से भागना होगा और कहीं दूर जाके शादी करनी पड़ेगी। भाई आप क्या कह रहे हो? चिकी, मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा। लेकिन भाई चिकी, क्या तू ये चाहती है कि घर वाले तेरे प्यार को तेरी नादानी समझे, उसे नकारते रहे? और राज तुम बताओ, क्या तुम ये चाहते हो कि छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें कमियां निकाली जाएं और ये फैसला सुना जाए कि तुम अपनी के लायक ही नहीं हो? तो फिर तुम्हारा भाग जाना ही सही होगा। बोलो कर पाओगे? तो ठीक है, मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। कल रात को तुम दोनों जयपुर से निकल जाओगे और मैं तुम्हारी लव स्टोरी को कामयाब बना दूंगा। तुम दोनों को घर छोड़ के भागना पड़ेगा। हेलो, नींद नहीं आ रही है ना? नहीं, मैं भी सो नहीं पाया। कल की टेंशन हो रही होगी ना? हाँ राज, हम ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? काश हम ऐसा नहीं करना पड़ता, लेकिन पापा अपना फैसला ले चुके, अब कुछ नहीं हो सकता। हमने अर्पिता और अक्षत भैया का साथ दिया क्योंकि हमें प्यार में विश्वास है। कितनी कोशिशें की हमने अवनी ताकि उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लिया जाए, और जब ऐसा हुआ तो हमें कितना यकीन था कि हमारा प्यार भी एक्सेप्ट होगा। अब तो अक्षत भैया भी हमारे खिलाफ है, जबकि उन्हें पापा और भाजी को समझाना चाहिए। सारी उम्मीदें टूटती जा रही है राज। और साबरी बुआ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अक्षत भैया के मैटर में वो अक्षत भैया के खिलाफ थी और अब वो पापा को हमारे खिलाफ भड़का रही है। भावना आंटी शायद समझती है अवनी, लेकिन वो भी सुकेत सर के सामने क्या कहे? ऑलरेडी अक्षत भैया को लेकर इतना सब कुछ हुआ है और हम अक्षत भैया और अर्पिता पापी की तरह तुम्हारे घर में छुपके भी नहीं रह सकते, तो क्या करें? भाग जाए? अब तो यही एक रास्ता नजर आ रहा है अवनी। ओह गॉड, इसका मतलब है कि इस घर में आज मेरी आखिरी रात है। तुम अकेली नहीं हो अवनी, मैं भी अपने परिवार से दूर हो रहा हूँ और जब तक हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया जाता मैं उनसे कांटेक्ट भी नहीं करूँगा।
नहीं राज, तुम मेरे लिए सैक्रिफाइस मत करो। नहीं अवनी, प्यार में सब बराबर बांटना चाहिए, खुशी भी और दर्द भी। जो तकलीफ तुम झेलोगी ना, वो मैं भी झेलूंगा। गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट। और प्यार।